पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुल्क के माशी हब कराची में अब नए हाई राइज बिल्डिंग के कई अहम मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि शहर कराची में जल्द ही 40 मंजिला ऊंची इमारतों की तामीरात का काम शुरू किया जाएगा। इस मकसद के लिए ज़राए ने बताया कि निजी बिल्डर्स हाल ही में ऐलान करदा तामीराती इमदादी पैकेज के तहत 1000 रिहायशी मंसूबे के हिस्से के तौर पर कराची में बुलंदोबाला मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार हैं। आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने बताया कि कराची में जल्द ही 30 से 40 बुलंद इमारतों पर तामीराती काम का आगाज़ किया जाएगा और हर एक इमारत 30 से 40 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हाल ही में कहा था कि हुकूमत के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के इकदाम के तहत तकरीबन 13 बिल्डर्स ने 1,00,000 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के लिए 1.37 ट्रिलियन की सरमायाकारी का वादा किया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद इंकशाफ किया कि इन मंसूबों पर तामीराती काम आइंदा 3 से 4 माह के दौरान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हसन बख्शी ने कहा कि बिल्डर्स को तवक्का है कि कम अज़ कम कराची में ऊंची इमारतों के ग्रे स्ट्रक्चर्स की तामीरात की ज़रूरत है और इस तरह के दीगर मंसूबे सितंबर 2022 तक इमदादी पैकेज के तहत शुरू होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि एग्जेक्टिव की जानिब से ऐलान करदा तामीराती पैकेज के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले ही 40 से 50 बिल्डर्स और डेवलपर्स का इंदराज कर चुका है। इन्होंने बताया कि मज़ीद तकरीबन 5,000 बिल्डर्स और डेवलपर्स वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत इंदराज की कतार में हैं।